देखो, पहली बात, अलाइड एंगल आप किसी एक एंगल को नहीं बोलोगे, आप ग्रुप ऑफ एंगल्स को बोलोगे। एटलीस्ट दो एंगल लिखे हुए, तीन एंगल लिखे हुए, चार लिखे हुए, आप उनको बोलोगे अलाइड एंगल्स हैं। ठीक है, तो ग्रुप होना जरूरी है यहाँ पे। और उन ग्रुप में खास बात क्या होगी उसको जरा देखते हैं। सबसे पहली बात, अलाइड एंगल बनाना सीख लो, फिर मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा। अलाइड एंगल बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको एक बेसिक एंगल चाहिए होता है, उसको मैं थीटा कह देता हूँ। वो बेसिक एंगल का मतलब ये है कि बेसिक एंगल जो है वो 0 और 90 के दरमियान जो एंगल होता है ना, उसको आप बेसिक एंगल बोलते हो। 30, 40, 50, 70, ये जो 0 और 90 के दरमियान एंगल है उसको आप बोलते हो बेसिक एंगल। आपको चाहिए एक अदद बेसिक एंगल, जिसको मैंने यहाँ पे थीटा लेट कर लिया। अब इस बेसिक एंगल के अंदर, अगर आप, मैं डिग्री की अभी बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे 90 के मल्टीपल ऐड करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 90 ऐड कर दिया, आपने 180 ऐड कर दिया, आपने 270 ऐड कर दिया, ये काम आप करते जाओ। और डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको इस तरह लिख सकते हो। जनरल फॉर्म जो है ना, जो बुक ने मेंशन की हुई है, वो ये वे लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है, एन यहाँ पे एक इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। इंटीजर का मतलब यहाँ पे ये कि आप कोई भी 1, 2, 3, 4, इसी तरह -1, -2, -3, 0, आप कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। बिलफर्ज एन की जगह मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 90 प्लस माइनस थीटा। एन की जगह अगर मैं 2 पुट करूंगा, 2 को 90 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 180 प्लस माइनस थीटा। फिर एन की जगह 3 पुट करो, 390 = 270। कहने का मतलब, आपको चाहिए एक अदद बेसिक एंगल, और उसके साथ आपके पास मौजूद होगा 90 का मल्टीपल। 90 का मल्टीपल का मतलब 90 का टेबल, सिंपल लैंग्वेज में 91 90 92 180। तो थीटा के साथ अगर ये एंगल्स लिखे हुए, तो अब इनको आप बोलोगे, इन सब एंगल्स को बोलोगे अलाइड एंगल्स। ठीक है, ये अलाइड एंगल्स बनाने का तरीका होता है। ठीक है, और डेफिनेशन क्या अलाइड एंगल की, वो ये है कि जब आप इन किसी भी दो एंगल को पकड़ोगे और इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो देखना आपके पास क्या आएगा। मैंने आप लोगों के सामने 6 लिखे हैं अभी। 6 मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों माने जाएंगे ना। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, इसी तरह 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। ये आपको मैंने अभी बनाने का तरीका बताया कि अलाइड एंगल आपने इस तरीके से बनाने हैं कि आप थीटा के अंदर 90 या 90 का मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है करवा दो। सवाल है कि इन सब एंगल्स को आप अलाइड एंगल क्या कह रहे हो, डेफिनेशन क्या है जिसके तहत आप इसको अलाइड एंगल बोलोगे। तो डेफिनेशन ये है कि आप इनमें से कोई भी दो एंगल पकड़ लो, कोई भी दो एंगल को आप ले लो, उनको आपस में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट में आपके पास 90, 180, 270 यही आ रहा होगा। जैसे मैं अभी अपनी पसंद का लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक ये ले लेते हैं और एक कंसिडर कर लो ये ले लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। कंसिडर कर लो, मैं ऐड करता हूं, को मैंने ऐड किया 270 माइनस थीटा में। तो जब मैं यहां पे ऐड करूंगा, देखो थीटा से माइनस थीटा कैंसिल, 180 और 270 ये किसके बराबर होगा, 450 डिग्री। और अगर आप लोगों को थोड़ी सी मैथ आती हो, 450 को आप इस तरह लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई 90। तो यहां पे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो अंग्रेजी की डेफिनेशन में बुक ने लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ एंगल्स इज सेट टू बी अलाइड एंगल्स ऑफ बेसिक एंगल थीटा इफ सम और डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑफ देम गिव्स द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90। कि अगर आप किसी भी दो एंगल को पकड़ो, उनको आपस में ऐड करो या अगर उनको आप सब्ट्रैक्ट करो, और रिजल्ट में आपके पास वो एंगल आ रहा है जो 90 का मल्टीपल है, मतलब 90 के टेबल में आ रहा है, तो फिर उन दो एंगल्स को आप क्या बोलोगे, अलाइड एंगल। एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फिर कोई सवाल हो पूछ लेना। कंसिडर कर लो, मैं पिक करता हूँ 270 प्लस थीटा और 90 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा, मैं इसको ऐड करता हूँ 90 प्लस थीटा में। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मेरे पास 90 का मल्टीपल नहीं आएगा यहाँ पे। कैसे, 270 प्लस 90 ये 360 है, और थीटा प्लस थीटा ये 2 थीटा है। तो अगर आप इस पूरे एंगल को देखो, ये 90 का मल्टीपल नहीं होगा यहाँ पे, किसी स्पेसिफिक कंडीशन में हो सकता है, लेकिन वैसे 90 का मल्टीपल नहीं, क्योंकि यहाँ पे थीटा की टर्म भी आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पे ऐड करने से 90 का मल्टीपल नहीं आ रहा, आप सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लो, क्योंकि बुक ने बोला है कि या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, किसी एक कंडीशन में 90 का मल्टीपल आना चाहिए। ऐड करके नहीं आया, हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। जब आप इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, अब जरा देखना, माइनस को 90 से मल्टीप्लाई करोगे -90, माइनस को प्लस थीटा से करोगे तो -थीटा। अब देखो थीटा से थीटा कैंसिल, 270 माइनस 90 180। अब देखो आपके पास 90 का मल्टीपल आ रहा है, इसको आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 90। तो समराइज कर दूं बात को, कि आपके पास कुछ एंगल्स लिखे हुए होंगे, उन एंगल्स को आप किसी भी दो एंगल को बोलोगे यार ये अलाइड एंगल्स हैं, उस वक्त कि जब आप उनको आपस में ऐड करो या अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करो, और रिजल्ट में आपके पास को 90 का मल्टीपल आ रहा है, तो आप बोलोगे ये एंगल जो है ये अलाइड एंगल्स हैं। एक और चीज मैं बताता हूँ, उसके बाद अगर किसी का सवाल हो तो पूछ लो।
ये तो मैंने जनरलाइज बात की है ना, मैं आपको कोई स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूँ। कंसीडर कर लो थीटा जो है वो 30 डिग्री है। मैं आपको लाइट एंगल बनाने का तरीका बता रहा हूँ। आप यहाँ पे लाइट एंगल बनाओ कैसे, सबसे पहले 90 प्लस थीटा कर दो, 90 माइनस थीटा कर दो, अच्छा 180 प्लस थीटा कर दो और 180 माइनस थीटा कर दो। फिलहाल कंसीडर कर लो इन चार ही एंगल को डिस्कस करते हैं, इतना टाइम नहीं है। 90 प्लस 130 क्या होता है, 120, फाइनल एंगल ये बना। 90 माइनस 30 क्या होता है, 60 डिग्री। 180 प्लस 30, 210 डिग्री, और 180 माइनस 30, 150 डिग्री। ये जो चार एंगल मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये चारों एंगल अलाइड एंगल हैं। आपने सीखा इनको बनाना किस तरीके से, बनाने के बाद जो आपके पास चार एंगल्स आए, ये सब अलाइड एंगल्स हैं। अब इनको मैं अलाइड एंगल क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग कोई भी स्टूडेंट मुझे अपने पसंद के दो एंगल बता दो इनमें से, दो एंगल बताओ, कोई क्या लूं मैं इसमें से। 180। अच्छा एक स्टूडेंट ने 180 तो है भी नहीं इसमें, ये चार एंगल जो मैंने लिखे हैं इनमें से बताना है। 210, 210 210, ले लेते हैं, कोई और स्टूडेंट जल्दी से बताओ अपने पसंद के एंगल, जल्दी बताओ भाई जल्दी। 150, 150 ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इन चार को बोल रहा हूं कि ये अलाइड एंगल्स हैं, तो इसका मतलब ये इस डेफिनेशन पे पूरा उतरेंगे। डेफिनेशन क्या है, इन दोनों का सम या प्रोडक्ट, सॉरी सम या डिफरेंस 90 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जरा इनको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 210 और 150 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, चाहे कोई भी ऑर्डर हो, इस तरह करो या उल्टा कर लो, एक ही बात है। आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 210 को 150 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 60 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे माइनस 60 डिग्री आ जाएगा। लेकिन 60 और माइनस 60 90 के टेबल में नहीं आते। 90 के टेबल में कैसे आएंगे, 90 का टेबल क्या होता है, अगर आप जीरो से स्टार्ट करो, 0 90 180 270, अगर आप नेगेटिव में जाना चाह रहे हो तो 0 -90 -180 -270, 60 और -60 90 के टेबल में आते ही नहीं है। इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करने से हमारा काम नहीं बन रहा। हम क्या करते हैं, हम इनको आपस में ऐड कर देते हैं। आपस में ऐड करके देखो, जब हम इसको आपस में ऐड करोगे, इसके अंदर जब 10 के अंदर 50 60, ये टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। और हमें पता है 360 डिग्री क्या होता है, 4 × 90 डिग्री। तो यहां से मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि आप इन दो एंगल्स को, 210 और 150 को अलाइड एंगल बोलोगे। क्यों अलाइड एंगल बोलोगे, इसलिए अलाइड एंगल यहाँ पे बोलोगे कि जब मैं इनको आपस में ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट पे मेरे पास नहीं आया कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐड करने पे, ऐड करने के बाद मेरे पास ऐसा एंगल आया जो 90 का मल्टीपल है। दैट्स व्हाई मैं दोनों एंगल को क्या बोलूंगा कि ये दोनों अलाइड एंगल है। और बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, अलाइड एंगल को बनाते किस तरह है, एक बेसिक एंगल होता है उसके अंदर आप 90 180 ये सब करते जाओ और आपके पास अलाइड एंगल बनते जाएंगे। इन चार में से आप कोई भी दो ले लो, आप यहाँ पे 60 और 120 को ले लो, इनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे अगेन 90 का मल्टीपल नहीं आएगा, इनको ऐड करना तो 90 का मल्टीपल आ रहा होगा। इसी तरह 120 150 को लो, सब्ट्रैक्ट करोगे नहीं आएगा, ऐड करोगे 270 आ रहा होगा जो कि 90 का मल्टीपल है। तो या तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, और अगर ऐसा दोनों नहीं हुआ, कंसीडर कर लो आपके पास क्या लिखा हुआ है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और आपको मालूम करना है कि ये अलाइड एंगल्स है नहीं है अलाइड एंगल्स। तो 30 45 नहीं है, 45 60 नहीं है, हाँ 30 और 60 है, ठीक है। कैसे, 30 और 60 को आपस में आप ऐड करोगे तो रिजल्ट में आपके पास 90 आ रहा है। तो आप 30 और 60 को बोल सकते हो अलाइड एंगल है, वरना 30 45 अलाइड एंगल नहीं है, 45 60 नहीं है, सिर्फ 30 और 60 है। ये कॉन्सेप्ट है अलाइड एंगल्स का। किसी का कोई सवाल है, मैंने दो टॉपिक यहाँ पे क्लियर किए हैं कि अलाइड एंगल को बनाना कैसे है, तो आप जरा देख लो उसमें आपको इश्यू हो रहा है, और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि मालूम चेक कैसे करना है कि ये एंगल अलाइड एंगल है या नहीं है, तो वो मैंने यहाँ पे बताया। इन दोनों टॉपिक में अगर किसी का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो पूछ लो। नहीं सवाल, ठीक है। अच्छा ये मैंने आप लोगों को डिग्री में सब बताया, आप इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये पाई बाय टू आ जाएगा यहाँ पे। 90 को आप पाई बाय टू कहते हो, 180 को पाई कहते हो, 270 को 3 पाई बाय 2 कह देते हो आप। ये बुक ने सारी एक्टिविटी करके दिखाई भी है, थोड़ा बुक को जरा पढ़ लेना तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एन की जगह आप जीरो भी ले सकते हो, बिलफर्ज अगर मैं यहाँ पे एन की जगह जीरो लूंगा ना, तो सिर्फ थीटा बच जाएगा मेरे पास, मतलब सिर्फ 30 डिग्री बच जाएगा। तो 30 डिग्री भी आप शामिल कर सकते हो, 30 120 60, ये सब आपस में चार पांचों एंगल जो है ये अलाइड एंगल है। किसी भी दो को आप आपस में पकड़ोगे और आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 90 का मल्टीपल आ जाएगा, और नेगेटिव में भी कर सकते हो। ये पेज नंबर 301 पे उन्होंने डिटेल में बताया। अच्छा जी, पेज नंबर 302 पे उन्होंने पूरे लिस्ट बना के लिखी हुई है, मैं डिटेल में आप लोगों को अभी ये बताऊंगा क्या करना है इसको, उसके बाद वैल्यूज भी निकाली वो भी बताता हूँ आप लोगों को।
अच्छा जी, सही है, बस आखिरी टॉपिक है ये, उसके बाद 10.2 करते हैं। अच्छा एक काम करो, स्क्रीनशॉट डालो, मैं समझा ही देता हूँ आपको। अच्छा एलाइड एंगल्स आप लोगों के पास आ गए, ठीक है। अब सवाल लेके जो टॉपिक था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल, कि जो एलाइड एंगल आपके सामने लिखे हुए हैं, आपने अगर इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, कैसे निकालोगे? डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, मैं कुछ लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ जाए। कंसीडर कर लो, हम एक एंगल लेते हैं, ये सारे एंगल है 90, जनरलाइज बात कर रहा हूँ मैं अभी, 90+ थीटा, 90-थीटा सब है। तो अगर आप पॉसिबिलिटी बनाओ तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? देखो दो पॉसिबिलिटी, तीन, सॉरी चार हो जाएंगी टोटल, छह तो मैंने आपके सामने लिखी हुई है ना, आठवीं क्या होगी, सातवीं, आठवीं 360+ थीटा, 360-थीटा। तो बेसिकली अगर आप 0 से लेकर 360 के दरमियान लिखो तो ये 8 एलाइड एंगल्स हैं, ठीक है। और इन आठों पे आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन फंक्शन जो है वो 8 पे वैल्यू आप निकालो तो 8 पूरे बन जाएगा। फिर आपके पास कॉस फंक्शन है, कॉस के आप इन 8 पे निकालोगे तो बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा जो बुक वालों ने मेंशन किया हुआ है। लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं कि इन पे वैल्यूज कैसे निकालनी है, वो मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ, पूरा टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दो तीन एग्जाम्पल दूंगा आपको बात समझ आ जाएगी। तो एक साइन की ले लेते हैं, एक बिलफर्स कॉस की लेते हैं, 180-थीटा ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक टेंजेंट की ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 270+ थीटा कर लेते हैं, और बिलफर्स एक को हम ले लेते हैं सेक की, सेक 360-थीटा। तो ये सारे एलाइड एंगल्स हैं आपस में, एलाइड एंगल्स हैं, डेफिनेशन जो बताई थी करके देख लेना, इनमें से किसी भी एंगल को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे 90 का मल्टीपल आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये एलाइड एंगल्स हैं। अब इन पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे निकालनी है, असल टॉपिक ये है। तो इन पे वैल्यूज निकालने की जो ट्रिक है ना, जो बुक वालों ने आगे मेंशन की भी नहीं है, हाँ वो ट्रिक मेंशन नहीं की भी, उन्होंने क्या किया वह, आप यहाँ पे लगाओगे sin α+β, फॉर्मल लगाओगे sin α+β, पूरा फॉर्मल लगाना, एंड पे आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा होगा cos θ। इस पे आप पूरा फॉर्मल लगाओगे cos α-β का, सॉल्व करना, एंड पे आपके पास आंसर आ रहा होगा -cos θ। इस पे आप लगाना tan α+β का फॉर्मूला, लगाने के बाद आंसर आपके पास क्या आ रहा होगा, -cot θ, और यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा होगा। अब सवाल है कि मुझे कैसे पता चल गया, मैंने तो फॉर्मल लगाया भी नहीं है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ये वही ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, बुक ने ट्रिक डिस्कस नहीं की, बुक ने डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं और बोला हुआ कि फॉर्मुला लगा के लगाया हुआ है, लेकिन फॉर्मुला नहीं है, ट्रिक है इसके पीछे जो आपने क्वेश्चन में भी इस्तेमाल करनी है। अब वो ट्रिक क्या है जो मैंने आप लोगों को 10.1 में बताया था कि यार इसको ट्रिक के जरिए से भी सॉल्व कर सकते हैं और α+β के फॉर्मुले से भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग उधर मैंने बोला था कि फॉर्मुले से ही करना, लेकिन यहाँ पे अब आप कौन से सवालों पर ट्रिक लगा सकते हो ये मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताऊंगा। अभी ट्रिक देख लो कि डायरेक्ट मुझे कैसे पता चल रहा है कि इनके ये आंसर है। डायरेक्ट आंसर मालूम करने के लिए बच्चों दो बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात कि अगर आपके पास 90 डिग्री लिखा हुआ है या अगर आपके पास 270 डिग्री लिखा हुआ है, ये मैं इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, कि अगर आपके पास 90 डिग्री लिखा हुआ है या 270 डिग्री लिखा हुआ है तो आपने फंक्शन चेंज करना है। फंक्शन चेंज करने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे साइन फंक्शन था ना और 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो देखो मैंने साइन को कॉस में बदल दिया, फंक्शन को चेंज कर दिया मैंने। इसी तरह यहाँ पे 270 लिखा था, टेंजेंट था तो मैंने टेंजेंट को चेंज कर दिया, कॉट लिख दिया। जब भी 90 और 270 आएगा आपने फंक्शन को चेंज कर देना है। अब कौन से फंक्शन को किसमें चेंज करना है, अगर साइन होगा तो उसको चेंज कर दोगे कॉस की फॉर्म में, अगर टेंजेंट होगा उसको चेंज कर दोगे कॉट में, अगर सेक होगा उसको चेंज कर दोगे कॉसेक की फॉर्म में, और अगर आप उल्टा चाहो उल्टा भी है कि अगर कॉस होगा तो साइन की फॉर्म में, कॉट होगा टेंजेंट कॉसेक होगा सेक की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो यहां से मैंने साइन को कॉस में किया था, यहाँ पे टेंजेंट को कॉट में किया था, तो दो बातें कि यार चेंज कब करना है, जब 90 और 270 आए, और दूसरी बात चेंज किस में करना है, तो साइन को कॉस, टेंजेंट को कॉट, सेक को कॉसेक में, ये पहली बात आपको बतानी चाहिए, जहां पे मसला हो कोई इश्यू हो तो पूछ लेना। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो एंगल है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये कैसे पता चलेगा यार, इसके लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए, यहाँ पे 0 होता है, ये 90, 180, 270, 360, ठीक है ना। अब मुझे थोड़ा खुद सोच के बताना, थोड़ा सोच लेना कि अगर मैं 90 में कोई थीटा ऐड करूंगा तो क्या लगता है किस क्वाड्रेंट में होगा ये? सेकंड सेंस यहां पे बना दिए सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्यों? क्योंकि थीटा जो है वो तो बेसिक एंगल है, थीटा क्या हो सकता है,
थीटा जीरो से लेके 90 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। कंसीडर कर लो थीटा यहाँ पे 30 है, थीटा यहाँ पे 40 है, थीटा यहाँ पे 50 है। तो जब आप 30, 40 या 50 को 90 में ऐड करोगे तो जो भी आपके पास एंगल आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 90 के अंदर कुछ भी एंगल ऐड करोगे तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर आप 90 में से, जो 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, अगर आप 90 में से कुछ एंगल माइनस करोगे, ये 90 है, अगर आपने कोई भी एंगल माइनस किया, कंसीडर कर लो 90 से आपने 10 डिग्री माइनस किया, तो 90 से जब 10 डिग्री माइनस करोगे तो अल्टीमेटली पिछले वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा थीटा। अच्छा, इसी तरीके से अगर किसी को समझ आ गई है तो थोड़ा जरा सोच के बताओ मुझे, ये 270 प्लस थीटा कहां पे होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक्सीलेंट भाई, ये 270 है, कुछ भी ऐड करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और अगर 270 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसी तरीके से 180 में कुछ भी ऐड करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 180 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो पीछे चला जाएगा। सेम वही 360 में कुछ ऐड करोगे, ये 360 यहां तक था, कुछ ऐड करोगे तो वो इधर आ जाएगा दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर 360 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे, कंसीडर करो 360 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 330 हो जाएगा, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये बात अगर आपने समझ ली तो आप डायरेक्ट यहां पे आंसर बता सकते हो। अब जरा प्रोसीजर देखते हैं आंसर बताने का। सबसे पहली बात, 90 पे फंक्शन चेंज होता है, साइन था तो मैंने यहां पे कॉस लिख दिया, जो यहां पे एंगल होता है बेसिक एंगल, वो बेसिक एंगल यहां पे आ जाता है। और तीसरी बात, साइन डिसाइड करते हो आप भाई, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई इसके साथ पॉजिटिव आ गया। तो तीन स्टेप में आपने इसका डायरेक्ट आंसर बताना है। ट्रिक सेकेंड में भी काफी काम आएगी, गौर से समझना। सबसे पहली चीज आप क्या देखते हो कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। 90 लिखा हुआ था तो मैंने साइन को कॉस में तब्दील कर दिया, पहला स्टेप। जो यहां पे बेसिक एंगल लिखा हुआ है थीटा, वो यहां पे आप लगा दोगे, दूसरी बात। तीसरी बात, राइट हैंड साइड पे आप पॉजिटिव लगाओ या नेगेटिव लगाओ, ये कैसे पता चलेगा? 90 प्लस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई मैंने इसके साथ पॉजिटिव लगाया, नेगेटिव नहीं लगाया। एक और एग्जांपल, 180 माइनस, सबसे पहली बात 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस है तो वो कॉस ही आएगा। दूसरी बात, 180, अच्छा जो यहां पे थीटा है वो वहां पे थीटा आ गया, फिर 180 माइनस थीटा कहां पे होगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई यहां पे नेगेटिव लगा दिया। मजीद पढ़ते हैं, 270 पे फंक्शन चेंज करना है, टेंजेंट है तो आपने क्या कर दिया? कॉट कर दिया। जो यहां पे एंगल है वो यहां पे लिख दिया। 270 में जब आप कुछ ऐड करते हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है, माइनस कॉट आ गया। इसी तरीके से 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, सैक जो है वो सैक में रहेगा, फंक्शन चेंज सिर्फ 90 और 270 पे होता है। 360 पे एज इट इज फंक्शन था वही आ गया, थीटा आपने लिख दिया, 360 माइनस थीटा बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपको याद हो तो कॉस और सैक पॉजिटिव होते हैं, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे पॉजिटिव लगा दिया। अगर सब पे बात समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अगर समझ आ गई है तो जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, सोच के बताओ। कॉसैक, 180 प्लस थीटा, इन तीनों स्टेप का इस्तेमाल करके बताओ जल्दी से आंसर क्या है इसका। माइनस कॉसैक थीटा। चलो बाकी भी सॉल्व करो जरा, यही आंसर आ रहा है क्या? माइनस कॉसैक माइनस नहीं आएगी सर, माइनस नहीं आएगा। चलो अब जरा देख लेते हैं भाई, फंक्शन चेंज नहीं होगा सबसे पहली बात, तो दोनों का आंसर सही है, फंक्शन चेंज नहीं है। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, थर्ड में कॉसैक नेगेटिव होता है, तो मतलब नेगेटिव आएगा। तो जो पहला वाला स्टूडेंट था उसने सही बताया था, आंसर इसका आएगा माइनस कॉसैक थीटा। दूसरे को जरा ट्राई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। कॉट 270 माइनस थीटा, टेन थीटा आएगा, माइनस टेन थीटा। माइनस वाला मुझे आंसर गलत लग रहा है, देख लेते हैं। सबसे पहले बार 270 है, फंक्शन चेंज करना है, कॉट टेंजेंट में होगा, दोनों की बातें ठीक है बिल्कुल। उसके बाद थीटा आएगा, सही है। 270 माइनस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ये 270 है, कुछ भी माइनस करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है,
कोऑर्डिनेट में टेंजेंट एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, दैट्स व्हाई यहां पे पॉजिटिव आएगा। उम्मीद है आप लोगों की बातें समझ आ गई होंगी, किसी की कंफ्यूजन है पूछ लो। यही चीज मैंने चार पांच एग्जांपल देके आप लोगों के पूरी ये 48 केसेस बनेंगे, 8 एलाइड एंगल्स हैं और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो 6 8 48 48 इस टाइप के केसेस बन सकते हैं कि साइन पे आप ये 8 वैल्यू निकालो, फिर कॉस पे 8 वैल्यू निकालो। मैंने आपको 5-6 एग्जांपल देके समझा दिए किस तरह निकालना है, बाकी आप ग्रुप पे सॉरी बुक में टेबल बना हुआ है, बाकी आप खुद फिल करो और अपने आंसर देखना बुक से मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सही है, किसी का कोई सवाल है यहां तक पूछ लो, मैं 10.2 सॉल्व करवाता हूं। सर थीटा से 90 डिग्री तक ही होता है बस, इससे ज्यादा तो नहीं होता ना? थीटा नहीं, 90 से कम होगा, बेसिक एंगल जो है वो 0 और 90 के दरमियान होता है, मतलब 90 से कम कम होगा। ठीक, एक और बात जो मैंने यहां पे बताई नहीं है, इसलिए मैंने कहा सुनो मैं कंफ्यूज ना हो जो, कि 90-70 की जुगाड़ है, असल कॉन्सेप्ट नहीं है ये, तो 360 तक है। बिलफर्ज मैं आपको एंगल दे दूं यहाँ पे साइन 630 प्लस थीटा, लो भाई अब तो कंफ्यूज। सबसे पहले चीज में कंफ्यूज होगे कि भाई चेंज करें ना चेंज करें, अब ये कैसे पता चलेगा? तो असल इसका कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एंगल वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। अब 630 कहां पे आता है जरा करके देखते हैं भाई, ये है 90 180 270 360, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट। 360 के अंदर अगर किसी को 360 का टेबल नहीं आता ना, तो 36 का टेबल याद रख लो, 36 के अंदर जब आप 9 ऐड करते तो 45 आता है, तो ये हो जाएगा 450, मतलब 360 के बाद यहाँ पे आएंगे तो 450 हो जाएगा। दोबारा 90 डिग्री ट्रेवल करोगे, 450 के अंदर 90 ऐड करो 540, 540 के अंदर 90 ऐड करो 630, इसका मतलब 630 यहाँ पे आ रहा है। तो अगर एंगल वाई एक्सिस के ऊपर है तो फंक्शन चेंज होगा, तो अगर 630 आ जाए फंक्शन आंसर हो जाएगा कॉस। जैसे 90-270 वाई एक्सिस पे थे ना, दैट्स व्हाई मैंने बोला था कि 90-270 पे चेंज करना है, लेकिन असल कॉन्सेप्ट होता है एंगल वाई एक्सिस पे आना चाहिए, तो एंगल वाई एक्सिस पे फंक्शन यहाँ पे चेंज कर दिया, थीटा यहाँ पे आ गया। अब आप देखोगे 630 में मैं क्या ऐड करूं, 630 में मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, तो इसका मतलब 630 ये है, कुछ ऐड करूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, और फोर्थ में आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर 360 से बड़े भी आ जाए ना, तो आप आसानी से इस टेक्निक से निकाल सकते हो। एक्सरसाइज 10.2 में बच्चों सबसे पहला सवाल आया हुआ है कि आपने जनरेट करने हैं एलाइड एंगल्स, बहुत बेसिक सा सवाल है। करने का तरीका क्या होगा, दो पार्ट है, पार्ट नंबर टू ले लेते हैं, शायद थोड़ा मुश्किल लगे, 50 डिग्री है, और आपने क्या करना है, ये बेसिक एंगल आपको गिवन है और आपको बोला हुआ है कि जनरेट करो एलाइड एंगल्स। लाइट एंगल जो है वो तो इनफाइनाइट है, सब तो आपने नहीं करने, बस थोड़े बहुत करके आप बता दोगे। फॉर्मूला क्या है लाइट एंगल्स का वो याद रखो, बताया था फॉर्मूला है एन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे थीटा आपको गिवन है, थीटा यहाँ पे क्या 50 डिग्री, ये फॉर्मूला है। अब आप सबसे पहले क्या करो, एन की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करो, तो जब एन की वैल्यू जीरो पुट करोगे पूरी चीज जीरो हो जाएगी और आंसर आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस 50 डिग्री। अच्छा जी, उसके बाद n की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ पे जब n की जगह 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस माइनस 50। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, सबसे पहली 90 प्लस 50 क्या होता है 140 डिग्री, और 90 माइनस 50 क्या होगा 40 डिग्री। तो दो एंगल यहाँ से आपको मिल गया लाइट एंगल। फिर n की जगह आप 2 पुट करो, यहाँ पे जब 2 पुट करोगे 2 को 90 से मल्टीप्लाई करो 180 डिग्री, ये पॉसिबिलिटी बनेगी। अगेन 180 में जब आप 50 ऐड करोगे ये हो जाएगा 230 डिग्री, और 180 में जब 50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करो यहाँ पे, अब देखो आपने इस तरह तो आप बनाते जाओ बनते जाएंगे, आपके बात चाहो तो एक और वैल्यू पे चलो बना लो n इक्वल टू 3 पे, ये हो जाएगा 270 डिग्री प्लस माइनस 50, अब बनाते जाओ इसके ऊपर भी, ये हो जाएगा 320 अगर आप ऐड करोगे, और अगर आप 270 50 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 220, तो इस तरह तो पॉसिबिलिटी चलती जाएंगी। अब आप क्या करो, कुछ नेगेटिव्स पे बना लो, फॉर एग्जांपल एन की जगह माइनस 1 पुट करो, तो ये हो जाएगा माइनस 90 प्लस माइनस 50। वही काम करो यहाँ पे, माइनस 90 को पहले 50 में ऐड करो तो माइनस 40 आ रहा होगा, माइनस 90 माइनस 50 अब आ रहा होगा माइनस 140, ठीक है। इसी तरह एन की जगह माइनस 2 पुट करो, ये हो जाएगा माइनस 2 को 90 से करो माइनस 180, अगेन वही माइनस 180 को जब आप 50 में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 130,
माइनस 180 को माइनस 50 में करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 230। एक आखिरी पे मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये हो जाएगा माइनस 270 डिग्री प्लस माइनस 50, माइनस 270 प्लस 50 ये हो जाएगा माइनस 220 डिग्री, और माइनस 270 माइनस 50 ये हो जाएगा माइनस 320 डिग्री। ये सब बच्चों आपके पास अलाइड एंगल आते जाएंगे, आप एन की वैल्यू चूज करते जाओ आते जाएंगे, लेकिन हमने क्या करना है, हमने यहां तक रुकने के बाद एंड पे बस लिख देना है कि हेंस अलाइड एंगल्स आर। तो अलाइड एंगल यहां पे क्या आएंगे, सबसे पहले आप लिखने का तरीका प्लस माइनस 50, शुरू से बात करते हैं ना। उसके बाद देखो यहां पे आपको मिला था एक 140, यहां पे मिला माइनस 140, तो आप एक साथ लिख दो प्लस माइनस 140। अच्छा फिर आपको मिला था 40 और फिर आपको मिला था माइनस 40, तो प्लस माइनस 40 आप इस तरह, एक सेकंड तो पहले इसको पहले लिख देते हैं ना, प्लस माइनस 40 यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मिला था 130 डिग्री, इसको भी पहले लिख देते हैं, एक मिला था 130 डिग्री और यहां पे मिला था माइनस 130, तो आप लिख सकते हो प्लस माइनस 130 डिग्री। फिर अगेन वही बात 140 प्लस माइनस करके आप लिख सकते हो। अच्छा उसके बाद क्या है 220 डिग्री और यहां पे मिला था माइनस 220 डिग्री, तो आप लिख सकते हो प्लस माइनस 220 डिग्री, इस तरह आप लिखते जाओ। फिर ये 230 डिग्री है, यहां पे भी आपको माइनस का 230 मिला था, तो प्लस माइनस 230 डिग्री हो जाएगा। और फिर आखिरी चलो लिख देते हैं जान छुटे, 320 बचा है ना, 320 और माइनस का 320, तो आप लिख दो। उसके बाद आप आगे डॉट 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 लगा दो, मतलब ये एंगल्स आते जाएंगे, अब हम कितने लिखे हैं तो यहीं तक आंसर रहने दो, कुछ वैल्यूज पे लिखो, इस तरीके से आप में सारे अलाइड एंगल जो है वो जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। कोई मसला इस तरीके के अंदर या कोई बात ना समझ आई हुई हो? तो सर हमें कैसे पता चलेगा कितने निकालने हैं ऐसे? यार बुक ने, मैंने वही आंसर देखा था, आप एन की वैल्यू 3 तक निकाल लो, अगर आप बुक की एग्जांपल देखो ना तो उन्होंने एन की वैल्यू 2 तक निकाला हुआ था, आप एन की वैल्यू 3 तक निकाल लो, दैट्स इट। पेपर वैसे आते नहीं है सवाल, ये एक सवाल देने वाली कोई चीज है, क्या किया गया इसके अंदर आपने, लेकिन बेफर्ज अगर आ गया, मान लो अगर आ गया तो एन की वैल्यू 3 तक निकाल लेना बस। इसका आंसर मुझे नहीं पता, बुक में मैं भूल गया क्या लिखा हुआ है, लेकिन एन की वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं जाना, फालतू की बात है ना। एन की वैल्यू 4 पर निकालो तो फिर एन की वैल्यू 5 पे क्यों नहीं निकाल रहे, फिर एन की वैल्यू 6 पे निकाल लो, तो वो तो चीज चलती जाएगी। तो स्टैंडर्ड है बस, एन की वैल्यू 2 या 3 तक, एहतियातन 3 तक निकाल लो, दैट्स इट। उसके बाद लिस्ट बना के लिख दो, डॉट 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 लगा दो, हो गया भैया लाइड एंगल। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करना है यहाँ पे कि प्लस और माइनस को आपस में आप अलग अलग ट्रीट नहीं करना, जैसे ये 130 और माइनस 130, अगर आप इसको चलो अलग अलग कर भी लो तो कोई इशू नहीं होगा, जैसे आप इनको आपस में ऐड करो, बताता हूँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या आया था, प्लस माइनस 50 आया था, ये अगर आप ऑब्जर्व करो ना, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये 14 अलाइड एंगल्स मैंने आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, आप चाहो तो उसकी डेफिनेशन चेक करके देख सकते हो, क्या ये डेफिनेशन पे पूरा उतर रहे हैं नहीं उतर रहे। डेफिनेशन क्या थी, इन 14 अगर जो सामने एटलीस्ट जो मैंने एंगल लिखे हुए, अगर ये अलाइड एंगल्स हैं तो अगर मैं इनको आपस में ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो 90 का मल्टीपल आना चाहिए। तो आप लोग एक काम करो, सबसे पहले मैं अपनी एक एग्जांपल दे देता हूं, फिर आप लोग की मर्जी हो कोई भी मुझसे पूछ लेना, कि हम एक काम करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ले लो 130 और माइनस 130, क्या ये अलाइड एंगल है नहीं, इसको जरा हम चेक करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखना क्या होगा, 130 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा माइनस 130 तो इसको जब करोगे ये आ जाएगा 260 डिग्री, और आपको पता है 260 90 के टेबल में नहीं आता, तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारी बात नहीं बन रही, तो हम क्या करते हैं इसको आपस में ऐड करते हैं। तो जब आप इनको आपस में ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो के बराबर, और जीरो जो है वो 90 के टेबल में आता है, तो आप 90 का मल्टीपल बोलोगे। जो आप लोगों ने टेबल पढ़े थे ना वो 1 से स्टार्ट होते थे, 1s, 2s, 3s, लेकिन हाँ हम जहां पे जो टेबल पढ़ रहे हैं ना उन टेबल को हम बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। इसका मतलब होता है कि आपने इंटीजर्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1, 2, 3 ये तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन नेगेटिव नंबर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जीरो भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली अगर 2 का टेबल हम पढ़ते थे 2, 1s, 2, 2, 2s, 4, कभी किसी ने सोचा नहीं है कि 2, 1s ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, 2, 0s क्या होता है, जीरो के बराबर, 2, -1, -2 के बराबर होता है, 2, -2 मतलब आप उस टेबल को पीछे भी ऊपर भी लेके जा सकते हो। पहले आप इस तरह टेबल पढ़ते थे ना पूरा, आप उसको बैकवर्ड भी लेके जा सकते हो कि 2 को पहले 0 से करो फिर 2 को -1 से करो। तो ये वही यहाँ पे किया हुआ है कि 0 जो है वो 90 के टेबल में आता है, किस तरीके से कि आप इसको इस तरह लिख दो, लिख सकते हो ना, दैट्स इट। 90 का टेबल में लिखने का तरीका क्या होता है कि 90 से कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर दो एंगल के साइन अगर डिफरेंट है तो जब भी आप उनको ऐड करोगे ना आपके पास जीरो डिग्री आ रहा होगा, और जीरो डिग्री 90 का मल्टीपल है। कैसे आया? अगर आप एन की जगह पे यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो जीरो को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? जीरो आता है। तो जीरो को आप बोल सकते हो कि वो 90 का मल्टीपल है। ठीक है, ये बात अगर आप लोगों को समझ आ गई तो सही है, कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अगर नहीं कंफ्यूजन तो ये 14 एंगल मैंने लिखे हुए हैं, कोई भी स्टूडेंट जो पहले बोलेगा अपनी पसंद के मुझे कोई भी दो एंगल बता दो, मैं उस पर भी चेक करके दिखा दूंगा आप लोगों को। अच्छा कोई दूसरा एक और बता दो, पसंद का कोई बता दो, नेगेटिव बता दो। चलो कोई -230 कर लेते हैं। अब ये दो एंगल है, जरा चेक करते हैं क्या ये इनका ऐड या सब्ट्रैक्ट 90 का मल्टीपल आ रहा है नहीं आ रहा। दिखने में लग रहा है अगर आप इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं दो वैल्यूज को आपस में ऐड करूंगा तो 140 को जब -230 में ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा -90 डिग्री, और -90 डिग्री मल्टीपल है डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि -190 को आप ऐसे लिख सकते हो, सॉरी -90 को आप ऐसे लिख सकते हो कि 90 मल्टीप्लाई -1। भाई मल्टीपल का मतलब होता है कि अगर आप लिख सको, इसको हम टेबल कहते हैं, 90 का टेबल है ये। आप एन की जगह 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 नेगेटिव पुट कर सकते हो, 0 पुट कर सकते हो। अगर आप किसी वैल्यू को इस फॉर्म में लिख सकते हो तो उसका मतलब वो 90 का मल्टीपल है, और अगर वो 90 का मल्टीपल है इसका मतलब ये एंगल्स एलाइड एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे नजर आ रहा है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नजर नहीं आएगा मुझे। अगर मैं 140 को माइनस करूंगा -230 में तो देखना आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 370 आ रहा है यहाँ पे, और 370 डेफिनेटली 90 का मल्टीपल नहीं है। 360 है लेकिन 370 90 का मल्टीपल नहीं होता, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करने से मुझे फायदा नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 90 का मल्टीपल आ जाएगा। तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हो कि अलाइड एंगल है या नहीं। सारी कंफ्यूजन मैंने हल कर दी है, कोई सवाल है पूछ लो। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया सर, ऐसे नहीं हो सकता हम प्लस भी करें तो भी 90 का मल्टीप्लाई और माइनस करें नहीं, तो भी 90 बैक का वक्त मल्टीप्लाई? दोनों कंडीशन नहीं हो सकती अलाइड एंगल के अंदर। वो उसकी वजह आपको यहां से मिल जाएगी ना, कि अगर बिलफर्ज एक है 90 प्लस थीटा, एक है 90 माइनस थीटा, तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो थीटा आपस में कैंसिल होगा, इन दोनों अगर एंगल को ऐड करूंगा तो थीटा कैंसिल होगा, अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नहीं कैंसिल होगा। बिलफर्ज अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आपके पास 90 माइनस 90 तो खत्म हो गया, थीटा प्लस ये आ जाएगा 2 थीटा। तो अब इसको तो आप ये उसी एक ही पॉसिबिलिटी है जो आपने बात बोली है ना, अगर पॉसिबिलिटी ये है कि आपके जो दो एंगल हो अगर वो ये हैं 135 और 45, मैंने बताया था कुछ स्पेसिफिक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो दोनों दफा 90 आ रहा है या 90 का मल्टीपल आ रहा है। जैसे अगर आप इसको ऐड करोगे आपस में, 135 को 45 में ऐड करो 180 आ रहा है, 90 का मल्टीपल है ये, और 135 को 45 में अगर आप ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 135 माइनस 45 ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये वो पॉसिबिलिटी है जब आपका बेसिक एंगल अगर 45 डिग्री, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अगर बेसिक एंगल अगर आपका 45 डिग्री है ना तो आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो 90 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, जैसे अगर ये 45 था, अब देखो ये चीज जो है 90 का मल्टीपल बनेगा क्योंकि थीटा 45 है, 45 टू 90 तो सब्ट्रैक्ट करने पे भी बन रहा होगा। ठीक है, और जब आप इन वैल्यूज को आपस में ऐड करोगे तो तब भी आपके पास 90 का मल्टीपल आ रहा होगा। देखिए उसी वक्त होगा, एक बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन है जब आपका बेसिक एंगल 45 डिग्री, उससे जो आप अलाइड एंगल बनाओगे ना उसमें आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में आंसर आपके आ रहे हैं। सर हर पॉसिबिलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर हुई बात? यस सर। सवाल तो ये बहुत बेसिक है लेकिन कंफ्यूजन ही छोटी छोटी होती हैं, तो मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को सब मैंने क्लियर कर दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ प्रूफ करने को, क्या प्रूफ करना है? साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक 90 माइनस थीटा, अच्छा और भी है, इसको ऐड करना है कॉस 90 माइनस थीटा में डिवाइडेड बाय sec 90 माइनस थीटा। अच्छा इस टाइप के सवाल जो है ना ज्यादातर चांसेस उनके एमसीक्यूज में आने के, क्योंकि छोटे सवाल हैं, आपको पता चल जाएगा अभी छोटे क्यों हैं ये। लेकिन अगेन मैं देखो यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, डिपेंड करता है सवाल कहाँ पे आ रहा है। अब अगर ये सवाल 4 नंबर में आ जाए
फिल फर्ज कर लो, उम्मीद नहीं है लेकिन कर लो कि चार नंबर के अंदर आ रहा है, तो भाई आप ये वाला तरीका नहीं कर पाओगे जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। ठीक है, क्या तरीका है जो आप लोगों ने अभी सीखा था? सबसे पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करोगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पूरी लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर देना। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। मेरे ख्याल में सबने सीख लिया ट्रिक, 90 पे फंक्शन चेंज होता है ना, तो साइन है तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे भी थीटा। 90 में से जब आप थीटा माइनस करते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव ही होते हैं, तो इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के। इसी तरीके से कॉसैक 90, अगेन 90 आ रहा है, फंक्शन चेंज होगा, कॉसैक है तो ये हो जाएगा सैक, जो यहाँ पे थीटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगेन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं, तो आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जल्दी से मुझे बताओ कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा। एक्सलेंट भाई, साइन थीटा होगा, फंक्शन चेंज करना है आपने बस, क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव ही होंगे, पूरे सवाल में 90 माइनस थीटा है ना तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन ही पॉजिटिव होते हैं, बस 90 था तो फंक्शन चेंज कर दिया। इसी तरह सेक है तो फंक्शन चेंज करोगे, कोसेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद सेक थीटा आपने पढ़ा हुआ है, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos। इसी तरह कोसेक थीटा आपने पढ़ा हुआ है, कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin, ये मैंने पुट कर दिया। उसके बाद आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, आपने चीज ऑब्जर्व की होगी, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं, फ्रैक्शंस के अंदर बिलफर्ज अगर आपके पास ये सिचुएशन लिखी हुई है, अगर आपने 2 को डिवाइड करना है 1/3 से, तो इन सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो ये जो 3 है ना, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है 2 से आके, या इसको इस तरह समझ लो कि यहाँ पे आपने 2 को डिवाइड करना है 1/3 से, यही चीज लिखी हुई है ना कि 2 को डिवाइड करो 1/3 से। बचपन में हमने सीखा था कि जब डिवाइड का साइन आप हटाते हो और इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाते हो तो फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है, अगर आपने नहीं सीखा तो तभी सीख लो। उसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 आंसर आ जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, बच्चों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसका सिंपल हल ये होता है कि जो बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है ना वो आके ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, 1 लिखो ना लिखो बात एक ही होती है। तो सेम वही करना है, कॉस को मल्टीप्लाई कर दो कॉस से, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह साइन को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर जाके साइन स्क्वायर से, सॉरी साइन से, तो साइन मल्टीप्लाई साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा। और ये पूरी चीज आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1, और राइट हैंड साइड आपकी पूरी होगी। अब अगेन वही बात जो मैं शुरू में बता रहा था, सवाल पे डिपेंड करता है, अगर इस सवाल 4 नंबर के अंदर आया है और आप ये सॉल्यूशन लिखोगे तो जस्टिफाई नहीं करेगा, फिर आप यहाँ पे क्या करना, आप यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले लगा के करना है इसको, कि यहाँ पे लगाना साइन अल्फा माइनस बीटा का, यहाँ पे लगा देना कोसेक है ना तो कोसेक को कन्वर्ट कर देना 1/sin 90 माइनस थीटा, फिर आप इस फॉर्मूले लगा देना, कॉस पे लगा देना, सेक को आप कर देना 1/cos में, फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा देना। कहने का मतलब है अगर 4 नंबर के अंदर नॉर्मली आता नहीं है लेकिन बिलफर्ज अगर आ जाए तो फिर आपने वो वाला मेथड करना है। ये वाला मेथड उस वक्त काम आएगा जब 1.5 नंबर के अंदर, 2 नंबर के अंदर सवाल आएगा तो आपने प्रूफ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, उसी किस्म का सवाल है जो आपने 10.1 में देखा था, अब कैसे इवेल्युएट करना है। सबसे पहले हम डिग्री पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 3 सेम ही किस्म की टेक्निक लगानी है, तो मैं पार्ट नंबर 3 करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो थोड़ा मुश्किल लगेगा आप लोगों को। लिखा हुआ है कोसेक 2130। अब देखो एमसीक्यूज में तो नहीं आ सकता क्योंकि एमसीक्यूज में आप कैलकुलेटर यूज कर लोगे, पेपर में आ सकता है शायद एक नंबर को ऐसा पैटर्न बन जाए, चांसेस कम ही होते हैं, लेकिन अगर आएगा तो ये पेपर में ही सब्जेक्टिव में आ रहा होगा और आपने विदाउट कैलकुलेटर मतलब स्टेप शो करके पूरा दिखाना होगा इसकी वैल्यू। अब कैसे निकालोगे, सबसे पहली बात ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताई थी, मैंने बताया था कि अगर आप लोगों को याद हो यहाँ पे मैंने 10.1 में आपको बताया था, कोई भी अगर आपके पास एंगल है, जैसे अगर आपके पास आ रहा है 240 डिग्री, तो मैंने इसको ब्रेक करने के आपको 2 तरीके बताए थे। मैंने कहा था या तो इसको ब्रेक कर दो 180 प्लस 60 में, या इसको ब्रेक कर दो 270 माइनस 30 में। अब आपको शायद समझ आ रही होगी कि मैंने क्यों बोला था ये, क्योंकि 180 प्लस 60 ये दोनों एलाइड एंगल्स हैं, आप आसानी से 180 प्लस, खैर ये तो सेम ही एंगल है, लेकिन आप इसको इस पैटर्न पे अगर करोगे ना तो एक ही एंगल आ रहा है वैसे तो, लेकिन इसका फायदा ये होगा कि आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो उसकी। जैसे बिलफर्ज अगर साइन 240 निकालना है तो इसकी वैल्यू भी आप आसानी से निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो 180 और 270 में मैंने कहा था ब्रेक करो, इसी तरीके से मैंने बोला था कि 90, 180, 270, 360 में ब्रेक करो। उसकी वजह ये थी कि 10.2 में आपको मैंने मेथड सिखाना था
और ये मेथड काफी आसान हो जाएगा अगर आप इस तरीके से ब्रेक करोगे, वरना ब्रेक तो आप इसको 120 प्लस 120 में भी कर सकते हो, लेकिन उस पर ये वाली टेक्निक नहीं लग पाएगी ना, उस पर फिर आप अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा रहे होगे, मेहनत कर रहे होगे वहां फालतू की। तो ये ब्रेक करने की वजह थी जो मैंने वहां पे आप लोगों को बताई थी। लेकिन मैंने बताया था अगर 360 से कम कोई एंगल है उसको आप इस तरीके से करोगे, अगर 360 से ज्यादा है तो मैंने एक और तरीका बताया था, मैंने बोला था बिल्फर्ज अगर आपके पास आ जाए 390 डिग्री तो आपने क्या करना है इसको, तो मैंने बोला था यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाओगे, वो ये कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन ये होते हैं कि कुछ वैल्यूज बाद वो रिपीट कर रहे होते हैं, तो अगर इसमें से आप 360 सब्ट्रैक्ट करो, 360 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 30 डिग्री आएगा। तो कहने का मतलब जो साइन की वैल्यू होगी 30 पे वही साइन की वैल्यू होगी 30 प्लस 360 में, ये 10 पॉइंट उन्होंने बताया था कि आप एंगल के अंदर 360 ऐड करते जाओ वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो साइन 30 डिग्री है वही साइन 30 प्लस 360 होगा। आप दोबारा इसके अंदर 360 ऐड कर दो सेम वैल्यू रहेगी, 360 ऐड करने पे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेटर है आप लोग करके देख लो, 30 प्लस 60 में दोबारा 360 ऐड करके देख लो सेम ही वैल्यू आ रही होगी। तो कहने का मतलब साइन 30 प्लस 360 किसके बराबर होगा, साइन 30 के बराबर होगा, जो इस पे वैल्यू है वही साइन 30 पे वैल्यू है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास एंगल 360 से ग्रेटर आ रहा है तो आपने उसको 360 प्लस में ब्रेक करना है, मतलब एक एंगल 360 रखना, जो रिमेनिंग बचे उसको इस तरह लिखना, और नेक्स्ट स्टेप में आप बोलोगे कि पूरी चीज इसके बराबर है साइन 30 के बराबर। जैसे बिल्कुल आपके पास आ जाए 405 डिग्री, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक एंगल लिखना है 360 और जो रिमेनिंग बचे, रिमेनिंग क्या होगा 45 डिग्री, वो लिखोगे और फिर आप बोलोगे इसके अंदर ये आंसर होगा साइन 45 डिग्री के बराबर, क्योंकि 45 में अगर 360 ऐड करूं या ना करूं, 45 या 45 प्लस 360 सेम ही वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये काम आपने लाजमी करना है जब एंगल आपका 360 से ग्रेटर हो, ठीक है। अब सवाल ये है कि 360 से कितना ग्रेटर हो, 360 से लेके 720 तक आपने ये काम करना होता है। बिलफर्ज अब अगर आपका एंगल आ गया 750 तो अब आप इसको ब्रेक करोगे इस तरीके से कि 720 प्लस 30, तो अब आपके टेबल याद होने चाहिए 360 का, याद कर लो अपनी मैथ अच्छी कर लो ताकि फायदा हो जाएगा। 360 का टेबल याद करते हैं, 360 1 जा 360, फिर 720, फिर होगा 1080, फिर होगा 1440, फिर अब ऐड करो ये हो जाएगा 1800, फिर हो जाएगा 2160। ये सब आपको पता है, 360 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा, ये आपको याद होने चाहिए। तो अगर बिलफर्ज कहीं आपके पास एंगल आ रहा है साइन कर लो 1130, अगर ये आ रहा है कंसीडर कर लो, 1130 निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कंसीडर कर लो 1100 कर लेते हैं हम, या 1110 कर लेते हैं। तो आपने देखना है 1110 से नीचे 360 का टेबल क्या बन रहा है, तो 360 3 जा 180 होता है, तो आप इसको इस तरह लिखोगे, आप इसको लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 360, ये क्या हो जाएगा 1080, रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग 30 होगा। तो अब वही कॉन्सेप्ट है कि 30 के अंदर आप एक 360 ऐड करो, 30 के अंदर आप दो 360 ऐड करो, 30 के अंदर आप तीन 360 ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरी चीज जो है बराबर होगी साइन 30 के। जितनी दफा जितनी भी दफा आपने 360 ऐड करना है आप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन 30 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। तो अगर इसी तरह हमारा देखो अब एंगल क्या है 2130, तो आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, 2130 से पहले क्या आता है 1800, तो आपको इस 1800 की फॉर्म में आप इसको ब्रेक करोगे। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा पहली दफा में, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सोचोगे, टेबल से थोड़े मतलब आपको इंट्रोड्यूस हुआ है, पहली दफा आपने चीज पढ़ी है, तो वक्त के साथ इंशाल्लाह प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे ये बात, ठीक है। लेकिन विदाउट कैलकुलेटर निकालने की ये टेक्निक हम यूज करते हैं। तो अब जरा मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ, ये टेबल आपको याद होने चाहिए ताकि आपको आसानी से हो जाए। अगर आपको कोसेक 30 निकालना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिखोगे कोसेक 2130 से पहले क्या आता है 1800 आता है, 1800 को आप कैसे लिख सकते हो, 1800 को आप लिख सकते हो 5 को मल्टीप्लाई करें अगर 360 से तो 1800 आता है, तो ये हो गया 1800, रिमेनिंग कितना बचेगा 1800 और इसमें कितना फर्क है 330 डिग्री का फर्क है। ये मुझे बताओ बात समझ आई है नहीं, कि मैंने 2130 को ब्रेक कैसे किया, 2130 से पहले आप देखोगे 360 का टेबल कैसे आ रहा है, 1800 2130 से पहले है, वरना 2160 फिर वो बाद में हो जाएगा ना, उस तरह तो नहीं कर सकते, उस तरह भी कर सकते हो अगर आप माइनस करके करो, अगर चाहो तो आप वो वाली टेक्निक भी कर सकते हो, ये मैं कंफ्यूजन हो जाएगी, बेहतर है आप इसको इसी तरह रहने दो।
तो 2130 से पहले आप आओ, 2130 से पहले क्या 1800, 1800 को आप कैसे लिख सकते हो 5 × 360, तो ये हो गया 1800। रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 330 डिग्री, वो आप इस पे लिख दो। तो जो 330 पे वैल्यू होगी ना साइन की, वही साइन की वैल्यू होगी 2130 पे, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 330 में एक दफा 360 ऐड करो, दो दफा करो, तीन दफा करो, चार दफा, पांच दफा, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इस पे वैल्यू है वही वैल्यू होगी कोसेक 330 डिग्री। हमारा मकसद था किसी तरह इसको 360 से नीचे लाना, अब हम 360 से नीचे ले आए हैं। वंस आप 330 डिग्री पे पहुंचे हो तो अब आपके लिए दो ऑप्शन है, या तो 330 को आप ब्रेक कर सकते हो 270 प्लस 60 में, या आप 330 को ब्रेक कर सकते हो 360 माइनस 30 में, आपकी मर्जी है। तो मैं यहां पे ब्रेक करूंगा 360 माइनस 30 में, क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं करना होता ना तो कंफ्यूजन थोड़ी कम ही है, वरना 270 पे फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, लेकिन वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपने अभी टेक्निक सीखी है 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो अगर कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा। जो यहाँ पे एंगल था आपको याद है, बेसिक एंगल होता था 90 से कम वाला, ये बेसिक एंगल है, जो यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप साइन डिसाइड करते थे, डेफिनेटली 330 डिग्री जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा, कोसेक तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा ना, तो फोर्थ में नेगेटिव होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो अब 330 डिग्री की वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, जस्ट कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, और कोसेक 30 डिग्री आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। कैलकुलेटर से कैसे निकालोगे, कैलकुलेटर में आप लिखोगे 1 अपॉन साइन 30, तो जो कोसेक 30 की वैल्यू होगी वो 1 अपॉन साइन 30, इस तरह आप कैलकुलेटर से निकाल दोगे, क्योंकि कैलकुलेटर में कोसेक का बटन नहीं है, तो 1 अपॉन साइन करके निकालोगे, और जब निकाल लेना आंसर आपके पास 2 आ जाएगा, कोसेक 32 के बराबर होता है। और इस तरीके से विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। मैंने तो कैलकुलेटर यूज नहीं किया ना, आप लोग बेशक कर लो, इस स्टेप के बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने कैलकुलेटर यूज किया है नहीं किया, तो यहाँ पे आप यूज करना चाहो तो कर लो, ये आपके पास इस तरीके से वैल्यू निकालोगे। उसके बाद अगर आप आओ पार्ट नंबर 2 के ऊपर, रेडियन में है, अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, रेडियन से आप कन्वर्ट करो, रेडियन में ही रहने दो और उसको वैसे आप सॉल्व कर लो, मैंने बहुत तरीके बताए हैं। अब ये आपको अच्छा, वैसे अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, 5/6 जो है वो 30 डिग्री होता है, तो 30 को मल्टीप्लाई किया हुआ 25 से, तो क्या होगा 750 डिग्री, तो बेसिकली यहाँ पे ये है 750 डिग्री। अब 750 डिग्री निकालना मान ले मुश्किल नहीं होगा अगर डिग्री में लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या करोगे, 750 से पहले पहले 360 का टेबल क्या होता है, किसी को पता है, 750 से पहले 360 का टेबल, एक्सेलेंट, 720 होता है, तो उसको वैसे आपने किस में ब्रेक करना है, 720 प्लस 30 में, अगर ये डिग्रीज में आता। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बिलफर्ज अगर यहाँ पे टेंजेंट लिखा हुआ है ना, तो आप बोलते हैं भाई 30 के अंदर 720 ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो 30 पे वैल्यू होगी वही 30 + 720 पे होगी। डिग्री में तो आपका ये वाला स्टेप होना चाहिए। रेडियन में आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था, 25/6 है ना, ब्रेक करने का सिंपल तरीका है, क्या करो आप 6 का टेबल पढ़ो, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 6, 4 = 24, बस 20 के ऊपर 25 है ना, तो 24 तक आप रहो, तो 25 को कैसे लिख सकते हो, 24 + 1, ठीक है। अब आप एलसीएम ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा 24/6 + 1/6, फिर 24/6 क्या होता है, नहीं ये तो टेक्निक, फिर 4π हो जाएगा ना, मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है क्या, 5/6 क्या होता है, 30 डिग्री होता है ना, 30 डिग्री और 25 से करेंगे तो आना तो यही चाहिए वैसे, 750 डिग्री सही है, ठीक है सही किया, बिल्कुल वैसे ही कंफ्यूज हुआ था ना। लेकिन एक सेकंड, मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, सर ये लेकिन उसमें फिर आके कंफ्यूजन हो जाएगी ना, वो मसला है। लेकिन चलो इस सवाल में तो खैर ये वर्क कर रहा है, मैं वो दोबारा वो वाली चीज बताने लग दूंगा उसमें कंफ्यूज होगे, लेकिन चलो इस सवाल में वर्क कर रहा है सही, ऐसी को कर लो काफी है। आपने इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया, 24/6 क्या होता है, 4 के बराबर, ये 1/6 अपनी जगह पे, क्योंकि मैंने बताया था यार ये तोड़ने वाली चीजें जो होती है ना, इसका कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ज्यादातर तो वर्क करता है ये, लेकिन कुछ सवालों में अब मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है उसमें कंफ्यूज होगा ये, लेकिन अभी से मैं बता के फिर उसमें मैं इतना घंटा लगाऊं बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो नॉर्मली आते बुक के सवाल ही है, तो आप लोग कर लोगे, इतना मसला नहीं होगा।
ज्यादातर सवालों में तो वर्क कर रही है ना टेक्निक, जो को लिमिटेड है वो अब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। तो आपने इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया, अब वक्त आ गया पाए लगाने का। तो अब हर जगह यहाँ भी पाए लगा दो, इधर भी पाए लगा दो, एलसीएम ब्रेक करने के बाद दोनों के साथ पाए लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि 25 पाई अपॉन 6 इसके बराबर होता है 4 पाई प्लस पाई अपॉन 6। तो आप इसको इस तरह लिख दोगे, 4 पाई प्लस पाई अपॉन 6। ठीक है, अब ये 4 पाई क्या होता है? देखो 2 पाई जो है ना ये 360 डिग्री होता है, तो 4 पाई क्या होगा? 720 डिग्री, वही जो आपने यहाँ पे लिखा था। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? ठीक है, अगर एक स्टेप बेसिक करना चाह रहे तो करके दिखा दो कि यार 360 का मल्टीपल है। 4 पाई को आप इस तरह लिख सकते हो ना, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई, वही जैसे आपने उधर लिखा था कि 720 जो है वो 360 के टेबल में आता है, 360 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो वही चीज लिखी हुई है कि 4 पाई किसके बराबर है कि 360 को मल्टीप्लाई करो आप 2 से। रेडियन के अंदर 360 2 पाई होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो भी एंगल आ रहा है वो 360 का मल्टीपल है। तो अगर आप पाई बाय 6 के अंदर जितने भी 360 के मल्टीपल ऐड करते जाओ पाई बाय 6 को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यहाँ पे टेंजेंट पाई बाय 6 ही आएगा। और टेंजेंट पाई बाय 6 बड़ा इजी होता है बच्चों, 1/√3 इसकी वैल्यू है। कैलकुलेटर से निकालोगे, कैलकुलेटर आपको देगा √3/3, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल, अगर पेपर में कहीं फंस जाओ, ये मैं आखिरी हल बता रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल अगर रेडियन में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा, फंस गए हो बिल्कुल, तो डिग्री में कन्वर्ट करके कर लेना। रेडियन में करवाने का मकसद ही है कि कोई गलती ना निकाले, ज्यादातर चांसेस है कोई निकालेगा नहीं, लेकिन हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल हमें 100% ठीक करना है। दैट्स वाई अगर कहीं फंस जाओ कि रेडियन में समझ नहीं आ रहा तो डिग्री में कन्वर्ट करना, तो डिग्री में तो कन्वर्ट करे कर सकते हो ना, तो कहीं फंसो तो आप ये वाला भी काम कर सकते हो। लेकिन जो बुक के क्वेश्चन है वही देंगे, ऐसा कोई मुश्किल नहीं देते वो। अच्छा, बाकी किस तरीके से करने हैं मैं पार्ट 4 पार्ट 5 बता देता हूँ, उसको ट्राई कर लेना, बहुत इजी है। पार्ट 4 में अगर आप देखो ना, लिखा हुआ है सेक और लिखा हुआ है cosec 35। अब इसी को सीख लो, दूसरा खुद ही कर लोगे भाई। इसको सिंप्लीफाई करना वैसे मुश्किल होता है, कैलकुलेटर के बगैर बच्चों को समझ नहीं आएगा यार मैं इनको डिवाइड कैसे करूं। लेकिन इसका बड़ा इजी तरीका है कि आप किसी एक को पकड़ लो। ठीक है, अच्छा ये कैसे पता चलता है? ये उसमें पता चलता है जब इनके एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर है। आप देखो 55 और 35 का सम 90 डिग्री होता है। तो इस तरीके से आप पकड़ लोगे कि मैंने ये वाला मेथड लगाना है। क्या मेथड? कि आप न्यूमिरेटर को पकड़ लो या डिनोमिनेटर को पकड़ लो, कंसीडर कर लो न्यूमिरेटर को, देख लेते हैं। न्यूमिरेटर को आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो sec 90 माइनस 45। जब 90 में से 45 किया जाता है, नहीं 35, 55 को आप कैसे लिख सकते हो? 55 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 35। 90 में से जब हम 35 निकालते हैं तो पीछे 55 बचता है। तो आपने कोई चेंजिंग नहीं की, बस आपने 55 को डिफरेंट तरीके से लिखा। ठीक है, और डिनोमिनेटर तो आपका एग्जैक्ट सेम रहेगा, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इस पे वही प्रॉपर्टी लगा दो जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताई थी कि 90 पे फंक्शन चेंज होता है, सेक है तो किसके अंदर हो जाएगा? कोसेक के अंदर। यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, और डेफिनेटली ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो पॉजिटिव होगा। अब देखो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर आपका मैच कर गया, और ये पूरी चीज 1 के बराबर होगी। जब आप कैंसिल करोगे आंसर 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप देखो ना, ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल 90 डिग्री है, और जो फंक्शंस लिखे हैं वो को फंक्शन है। मैंने बताया था को फंक्शन, कॉस और साइन, टेंजेंट एंड कॉट, सेक एंड कोसेक। अगर सेक एंड कोसेक नजर आ रहा है और एंगल 90 डिग्री है सम करने के बाद, तो आप ये वाला मेथड लगा रहे होते हैं। ठीक है, और 2-3 स्टेप में आपने करना है, इसका आंसर आ जाएगा। सेम अगर आप दूसरी टर्म देखो पार्ट नंबर 4 में लिखी हुई sin 48/cos 42, तो साइन और कॉस को फंक्शन है, 48 और 42 को ऐड करो 90 डिग्री आ रहा है, लेकिन वही वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो पार्ट नंबर 4 आपका हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 में भी यही काम किया है उन्होंने, लिखा हुआ है sin 56/cos 34, 1 के बराबर होगा, क्योंकि sin 56 को जब आप सॉल्व करोगे ना तो cos 34 ही आ रहा होगा, तो वो चीज 1 हो जाएगी। इसी तरह लिखा हुआ है cot 37/tangent 53, अगेन वही दोनों बातों को देखो, 37 और 53 को ऐड करो 90 डिग्री आएगा, और कॉट और टेंजेंट एक दूसरे के को फंक्शन होते हैं, अगेन जब आप सॉल्व करोगे आंसर एंड पे 1 आ रहा होगा। और बाद में लिखा हुआ है √2 sin 45, sin 45 तो 1/√2 होता है ना, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आसानी से आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अच्छा, और पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग कर लेना यार। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला हुआ है प्रूव करो cos 45 - θ, राइट हैंड साइड पूरी लिखी हुई है, तो बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकते हो यहाँ पे आप। अब इस पे ये वाली टेक्निक नहीं लगा सकते ना, 45 लिखा हुआ है, अगर 90 180 वो लिखा होता तो आप टेक्निक लगा लेते। तो अब जस्ट इस पे अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस अल्फा
कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो कॉस 45 होता है 1/√2, इस तरीके से साइन 45 भी होता है 1/√2, और यहां से आप क्या करो 1/√2 कॉमन ले लो, तो पीछे बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यही चीज आपको सवाल में प्रूफ करने को बोली हुई थी, तो बहुत बेसिक सा सवाल है, कर लेना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 का एक टॉपिक है, वो टॉपिक बुक में क्या लिखा हुआ है, ए साइन प्लस बी कॉस, कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। टॉपिक ये है कि अगर आपके पास कोई इस किस्म की एक्सप्रेशन हो, किस किस्म की, कि एक साइन थीटा के टर्म हो एक कॉस थीटा के टर्म हो, सिंपल साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये नहीं, सिंपल साइन थीटा कॉस थीटा, दैट्स इट। इसी तरह साइन टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा, ये भी हमने अभी कंसीडर कर रहे, तो सिंपल साइन थीटा कॉस थीटा और उसके साथ कोई ना कोई कॉन्स्टेंट हो, जैसे कंसिडर कर लो ए 3 के बराबर है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, या 5 साइन थीटा 8 कॉस थीटा। कहने का मतलब सिंपल साइन और कॉस की टर्म हो, आपस में ऐड हो रही हो और उनके साथ कोई कोफिशिएंट मौजूद हो, जिनको ए और बी बोलती है, तो क्या इस पूरी एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? क्या फॉर्म है कि जिसमें आर और फाइव की वैल्यू आपने चूज करनी होगी? फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो आर की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं और फाई की वैल्यू कंसिडर कर लो मैं पाई ले लेता हूं। तो कहने का मतलब कोई भी एक सवाल मैं आपको दूं, जैसे सवाल है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, क्या आप इस पूरी एक्सप्रेशन को इसी तरह इस फॉर्म में लिख सकते हो? फॉर्म में लिखने का मतलब इस पूरी एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्मूले में बंद कर दो, ये फॉर्मूला क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो क्या कोई ऐसा मेथड दुनिया में एग्जिस्ट करता है कि इन दो टर्म को किसी तरह आप साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, जिसका कोफिशियंट होगा और यहाँ पे थीटा के साथ कोई ना कोई एंगल होगा? आपका मेन गोल है, ऐसा कौन सी वैल्यू है और ऐसा कौन सा एंगल है जिस पे ये पूरी चीज जो है इसको आप इस फॉर्म में लिख सको? तो जरा हम एक थोड़ी सी एक डेरिवेशन करते हैं ताकि आपको मजीद थोड़ा आइडिया क्लियर होगा हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। तो अब एज्यूम कर लो कि ये दो वैल्यू आपस में इक्वल है, आपको मालूम करना है ऐसी कौन सी आर और फाइव वैल्यू पे ये आपस में इक्वल है, मतलब आर और फाइव वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है? तो कंसिडर कर लो इसको, तो ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे आप एक्सप्रेशन थोड़ी एक्सपेंड करो, इस पे फॉर्मूला लगाओ साइन अल्फा प्लस बीटा का, जो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, वेयर यहाँ पे अल्फा जो है वो थीटा है और बीटा जो है वो यहाँ पे फाई है। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, राइट हैंड साइड पे आर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में कंपेयर करो, यहां से आप एक नतीजे में पहुंचोगे, यहां पे आपको एक टर्म नजर आ रही है साइन थीटा की और यहां पे भी आपको साइन थीटा की टर्म नजर आ रही है, दरमियान में इक्वल का साइन है ना, इसका मतलब क्या है कि इस तरफ जो साइन थीटा के साथ लिखा होगा वो बराबर है जो इस तरफ साइन थीटा के साथ लिखा होगा। इस तरफ साइन थीटा के साथ क्या लिखा हुआ है आर कॉस फाइव, तो इसका मतलब ये जो ए है ये बराबर होगा आर कॉस फाइव के। यहाँ पे कॉस थीटा के साथ बी है, यहाँ पे कॉस थीटा के साथ आर साइन फाई है, इसका मतलब ये जो बी है ये बराबर होगा आर साइन फाई के। अगर आप ए की वैल्यू लेते हो आर कॉस फाई और बी की वैल्यू लेते हो आर साइन फाई, तो आप इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मूले के अंदर लिख सकते हो। मुझे पता है आप लोगों को मतलब नहीं समझ आया होगा, पहली दफा आप लोग पढ़ रहे, जब तक मैं एग्जाम्पल ही दूंगा आपको मामला क्लियर नहीं होगा पूरा, तो अभी देखते जाओ कि मैं डेरिवेशन क्या करवा रहा हूँ, ये छोटी सी बात लिखी है ना, अब जरा मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं तब आप लोगों को आइडिया क्लियर होगा थोड़ा ये, तो इसलिए थोड़ा 5 मिनट रिलैक्स होके सुनो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 10.2 करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 ही दे देते हैं। ये सवाल लिखा है, क्या बोला हुआ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाइव। बोला है कि इस पूरी चीज को आपने एक्सप्रेस करना है इसी फॉर्म में r sin थीटा प्लस फाई की फॉर्म में। अब इस पूरी चीज को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, आपको यहां पे दो चीजें पता होनी चाहिए, एक r और एक phi, किसी स्पेसिफिक r और phi की वैल्यू पे ये पूरी चीज उस फॉर्मूले के अंदर बंद हो सकती है। तो जरा r और phi हम निकालते हैं, r क्या होता था बच्चों अभी आप सॉरी हाँ अभी आपने देखा था a का फॉर्मूला, a क्या था r cos phi के बराबर था, तो यहाँ पे ए क्या है जो साइन थीटा के साथ लिखा होता है वो ए होता है, साइन थीटा के साथ 15 लिखा हुआ है, इसका मतलब
15 बराबर होगा आर कॉस फाई के। इसी तरीके से बी क्या था जो कॉस थीटा के साथ लिखा होता है, कॉस थीटा के साथ 8 लिखा हुआ है, तो 8 को आप बराबर रखो आर साइन फाई के। ये आपके पास दो इक्वेशन आई हैं, इन दो इक्वेशन को आपने क्या करना है, सॉल्व करके आर और फाई निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप यहां पे स्क्वायरिंग कर लो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, इसको वन बोल देते हैं, इसको हम टू बोल देते हैं, थोड़ा सा देखते रहो उसके बाद बातें थोड़ी क्लियर होंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो स्क्वायरिंग करो, 15 का स्क्वायर 225, ये हो जाएगा आर स्क्वायर पर फाइव, इसकी भी स्क्वायरिंग करो, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। स्क्वायरिंग करने के बाद एक और चीज लिख लो कि हमने ऐड भी करना है इक्वेशन को, तो स्क्वायरिंग करने के बाद इक्वेशन वन और टू को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। जब मैं ऐड करूंगा 225 और 64, ऐड करोगे हो जाएगा 289, इसको ऐड करो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। यहां से आप आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव। और ये आपने अभी लास्ट एक्सरसाइज में ये आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, वन के बराबर। तो यहां पे जस्ट बच जाएगा 289 और इधर बच जाएगा आर स्क्वायर। आपने क्या करना है, आपने यहां से आर की वैल्यू निकालनी है, और आर क्या आ जाएगा, 289 का रूट लो, 289 का रूट बच्चों कैलकुलेटर से निकाल लेना 17 के बराबर होता है। यहां से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 17। जैसे ही आपके पास आर की वैल्यू आ जाए, अब आपने क्या करना है, इसमें से फाई निकालना है। फाई कैसे निकालोगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो, तो आप लिखो डिवाइड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन, इक्वेशन टू को आप डिवाइड कर दो इक्वेशन वन से। इक्वेशन नंबर टू ये है आर साइन फाइ इज इक्वल टू 8, और इक्वेशन नंबर वन क्या है आर कॉस फाइ, डिवाइड करना है ना, ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर टू थी, इक्वेशन नंबर टू की लेफ्ट हैंड साइड थी आर साइन फाइ और राइट हैंड साइड थी 8 के बराबर, मतलब उल्टा कर दिया ना मैंने। और इसी तरह इक्वेशन नंबर वन की ये था आर कॉस फाइ और इधर 15 है, ठीक है। ये करने से फायदा ही हुआ, आर से आर कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेंजेंट के बराबर, टेंजेंट फाइ हो जाएगा 18 अपॉन 15 और फाइ की यहां से वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 8 अपॉन 15, ये आपके पास फाइ आ गया। आर भी आ गया, अब आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। फाइनल रिजल्ट क्या है कि ये जो आपका 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा है, इसको आप किस तरह लिख सकते हो, फॉर्मूला था आर साइन थीटा प्लस फाइ, आर यहाँ पे क्या है 17, थीटा यहाँ पे थीटा ही है, और फाइ आपने अभी निकाला है, फाइ है इनवर्स 8 अपॉन 15। अब जरा समझो सिचुएशन हुई क्या है। सिचुएशन आप लोगों को ज्यादा अच्छी उस वक्त समझ आएगी जब आप इस पूरे फॉर्मूले को ओपन करोगे। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा, आप जरा राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं और आपको मजीद आइडिया क्लियर होगा, तब आपको समझ आएगी दोनों चीजें आपस में बराबर हैं। तो जब आप इस पे फॉर्मूला लाओगे ना साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि क्या बन जाएगा, आपका आंसर आ गया। मतलब आपका सवाल ये था कि इस एक्सप्रेशन को ना आपने इस फॉर्मूले में बंद करना है, फॉर्मूला क्या था साइन थीटा प्लस फाइव में, तो वो आपने बंद कर दिया, प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। मैं आप लोगों के सवाल की सेंस बना रहा हूं कि ऐसा बराबर कैसे हुआ, कैसे आपने सब ये काम कर दिया कि ये चीज बराबर होगी इसके, तो मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि बराबर कैसे है आपस में, कि अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे एग्जैक्ट आपके पास ये चीज आ रही होगी। 17 को बाहर रखो, फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये जो फाई है ना, मतलब जो आप अल्फा और बीटा लेते हो ना, ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 8 अपॉन 15, ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, कैलकुलेटर आप लोगों के पास है। इसी तरीके से प्लस फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा और साइन इनवर्स 8 अपॉन, इस चीज को कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लो, आप इस पूरी चीज को, ये वाली चीज कैलकुलेट करो, मैं आप लोगों को चलो दिखा देता हूं कैलकुलेट करके कैलकुलेटर में। अच्छा एक बात ऑब्जर्व कर लेना यहाँ पे कि टेंजेंट इनवर्स का आंसर जो है, तो खैर ये तो डिग्री में ही होगा ना आपका, तो सही है, कैलकुलेटर डिग्री में रखो या रेडियन में रखो आंसर आ जाएगा। तो आपको निकालना है कॉस इनवर्स 8 अपॉन 15, तो कैलकुलेटर आपको, कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है 15 अपॉन 17। इस पूरी चीज का आंसर क्या है 15 अपॉन 17, तो साइन थीटा के साथ क्या आ गया 15 अपॉन 17। इसी तरीके से इस चीज को कैलकुलेटर में निकालो, इसको वैसे कैलकुलेटर के बगैर भी निकाल सकते हो, वो भी टेक्निक होती है, लेकिन वो फिलहाल मैं अभी नहीं बता रहा आप लोगों को। इसके आंसर आ रहा है 8 अपॉन 17,
इस पूरी चीज को कैलकुलेटर में निकाला 8/17 आया। जब इस पूरी चीज को आप मल्टीप्लाई करोगे 17 से तो क्या होगा, 17 से ये वाला 17 कैंसिल, इसी तरह 17 से ये 17 कैंसिल, दोबारा आपके पास क्या आ रहा है 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। तो अब जरा फाइनल मेरे रिमार्क सुन लो फिर सवाल पूछ लेना कि आपके पास ये जो टॉपिक है ना वो ये कहता है कि अगर आपके पास इस टाइप के टर्म्स आ रही हैं दो और आपको बंद करना हो इसको इस फॉर्मूले के अंदर इस तरीके से कि बाहर एक कोएफिशिएंट हो थीटा प्लस फाई अंदर हो, तो इस चीज को आप इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे बंद करोगे? तो उसका प्रोसेस क्या है, सिंपल, आपको दो चीजें चाहिए, एक आर और एक फाई। कैसे निकालोगे, डेरिवेशन मैंने आप लोगों को करवा दिए कि ये ए का फॉर्मूला है ये बी का फॉर्मूला, इसके तहत आपने आर निकाला, जैसी आर आपके पास आया उससे आपने निकाला फाई। वंस आपके पास आर और फाई आ जाए तो आप इस एक्सप्रेशन को इस साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले में बंद कर सकते हो, और अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो आप, ये पूरी चीज जो है ये इसके बराबर है, मैंने प्रूफ करके भी आपको दिखा दिए। तो मकसद हमारा इस टॉपिक का यही था कि इस एक्सप्रेशन को किसी तरह आपने फॉर्मूले के अंदर बंद करना है, तो रैंडमली फॉर्मूले के अंदर बंद नहीं कर सकते ना, आपको कुछ खास कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। वो कंडीशन क्या है कि आर की वैल्यू कैसे निकालनी है और फाई की वैल्यू कैसे निकालनी है, बस वो आपने निकाल ली तो उस पूरी चीज को आप फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह एग्जाम्पल ले लो, जैसे एक फॉर्मूला है ना साइन थीटा प्लस 45, इसको इस तरह कर देते हैं, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे अल्फा प्लस बीटा से तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस 45 थीटा साइन 45। कॉस 45 क्या होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 साइन थीटा, इसी तरह साइन 45 क्या होता है 1/√2। कहने का मतलब अगर सवाल में आपको ये चीज दे दी जाए, जैसे सवाल में ये चीज दे दी थी ना आपको और बोला जाए कि इसको बंद करो फॉर्मूले के अंदर, वो प्रोसीजर है। अगर ये चीज दी जाए और आपको बोला जाए कि यार ये इसको साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले में बंद करो इस तरीके से, तो रिवर्स काम आपको दिया जाए, पहले ये चीज गिवन होती थी आप ये मालूम करते थे, अगर आपको ये चीज दे दी जाए और बोले कि यार इसको फॉर्मूले में बंद करो, अब उसका प्रोसीजर क्या होगा, जैसे सवाल में ये चीज दी हुई थी तो उसका प्रोसीजर सिंपल ये होगा कि आपने आर और फाई निकालना होगा। तो इस सवाल में जब आप आर निकालोगे ना तो आर यहाँ पे 1 आ रहा होगा, दैट्स व्हाई इसके बाहर 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे जब आप फाई निकालोगे तो 545 आ रहा होगा। तो ये असल टॉपिक है कि इस फॉर्म में एक्सप्रेशन हो तो आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अच्छा, आर की शॉर्ट ट्रिक भी है, ये जो मैंने आर निकालने का तरीका, आर का ये फॉर्मूला भी है, आप ये भी यूज कर सकते हो कि आर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ये वही तो आपने किए यहाँ पे एट द एंड, यहाँ पे ये स्क्वायर था ये बी स्क्वायर है, मतलब आपने स्क्वायर किया ना दोनों वैल्यू का, तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, आपके पास आर 17 आ जाएगा। लेकिन टॉपिक क्लियर करने के लिए अगर सवाल पेपर में आ रहा है 4-5 नंबर के अंदर, तो आपने सब किया आर निकाला फिर फाइव निकाला और इसको इस फॉर्म में बंद कर दिया, तो जो आपका एक्चुअल आंसर है ना वो यहां तक है बस, ये तो मैंने प्रूफ करने के लिए दिखाया था, जैसे आर फाइ आ जाए दैट्स इट, ये आपका एक्चुअल आंसर है, ये आपको लिखना है यहाँ पे, ये आंसर है। बुक में जब उन्होंने सवाल सॉल्व करवाया हुआ ना तो उन्होंने कॉस और साइन की वैल्यूज भी निकाली हुई है, तो कॉस और साइन की वैल्यूज निकालना मुश्किल नहीं, यहां से आप निकाल सकते हो, इस आर को जाके डिवाइड कर देना तो कॉस फाइ क्या हो जाएगा 15/r, इसी तरह साइन फाइ हो जाएगा 8/r। वंस आपके पास आर की वैल्यू आ जाए तो आप कॉस और साइन की वैल्यूज भी निकाल सकते हो यहाँ पे, कॉस फाइव और साइन फाइव की वैल्यू, वैसे बोला नहीं है जरूरत नहीं है आपको, लेकिन अगर निकालना चाहो तो आप इस तरह भी निकाल सकते हो साइन से। तो यार अब ये एक सवाल मैंने करवा दिया, कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा दिए, अब बाकी जो दो पार्ट है इसके, पार्ट नंबर टू में √3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा, तो इसमें आपने जस्ट क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपने लिखा था ना 15 = r cos φ, तो पार्ट नंबर टू में लिखोगे √3/2 = r cos φ, वहां पे साइन थीटा के साथ √3/2 लिखा हुआ है, और आप लिखोगे 1/2 r sin φ, cos थीटा के साथ 1/2 लिखा हुआ है ना, तो 1/2 = r sin φ, भाई ये करना, उसके बाद ये प्रोसेस करना, r आ जाएगा, फिर जहां पे जो मैंने जिस तरह डिवाइड किया था उसका डिवाइड करके फाइ निकालना, आप एक्सप्रेस कर लोगे। और पार्ट नंबर थ्री जो है इसमें भी यही है, वहां पे साइन और कॉस दोनों के साथ 1/1 लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, और राइट हैंड साइड तो सवाल में सेम ही रहेगी r cos φ r sin φ। और ये कहां से आई, ये मैंने आपको डेरिवेशन में भी बता दिया कि ये चीज कहां से आ गई, जो साइन थीटा कोएफिशिएंट है वो आर कॉस फाइ होता है और जो कॉस थीटा कोएफिशिएंट है वो आर साइन थीटा होता है। इस तरीके से आप प्रोसेस करोगे और आपका फॉर्मूले में बंद हो जाएगा, जस्ट लाइक अगर आपको इसको फॉर्मूले में बंद कर रहा हूं, प्रोसीजर क्या होगा इसका, अगर मैं डायरेक्ट ये दे देता आपको तो अब आप मुश्किल होता आपके लिए, तो इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आसानी से कन्वर्ट कर लोगे इस फॉर्म में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है प्रूव दैट, सवाल है ना, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 और 5 बताए थे, बिल्कुल उसी तरह आपने करना है इसको।
जैसे सवाल आपके पास लिखा हुआ है टेंजेंट अल्फा और नीचे लिखा हुआ है 90 माइनस अल्फा। अच्छा मैं जस्ट चेक करना चाह रहा हूँ किसको ये कॉन्सेप्ट याद है, किसने रिवीजन की हुई है। किसी को पता कॉट 90 माइनस अल्फा को सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स मैंने बताए थे, याद है? भूल गए कॉट 90 माइनस सर अल्फा को किस तरह कॉट तो सॉल्व करोगे? 10 में चेंज हो जाएगा और 90 में नहीं से कुछ भी माइनस करेंगे तो वो फर्स्ट नहीं क्वाड्रेंट में ही रहेगा अरे तो वो पहले मेरी तो पॉजिटिव हो सुनो जाएगा। सुनो, अबे भाई सुन लो सुन लो, 90 कॉट को क्यों चेंज कर रहे हैं हम? किसने कहा आपको? क्योंकि सर हमें इसको कैंसिल करने होगा क्योंकि ये वजह थोड़ी ना होती, कैंसिल करने के लिए कुछ भी कर लोगे क्या? 90 है, 90 है हमारे हाँ 90 पे एक्सिस फंक्शन पे चेंज होता है, ठीक है तो टेंजेंट हो गया, उसके बाद बताओ। और 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा तो वो पॉजिटिव रहेगा और एक्स एजिटिव होगा। तो कॉट 90 माइनस अल्फा का क्या सबसे पहला स्टेप है भाई? 90 डिग्री है तो कॉट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट के अंदर, ठीक है जो यहाँ पे एंगल है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब 90 माइनस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव ही होता है, लिखो ना लिखो बात एक ही है, तो डिनोमिनेटर में पूरा क्या हो जाएगा? टेंजेंट अल्फा आ जाएगा, तो टेंजेंट अल्फा कैंसिल। इसी तरह सेम यही कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा के बराबर होता है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पे वन आंसर आ गया, यहाँ पे वन आंसर आ गया, 1 + 1 क्या होता है? 2 के बराबर। ये चीज आपको प्रूफ करने को बोली हुई थी। अब जरा देखो बात को समझो, आप लोग बच्चे नहीं हो, बात को जरा समझना पड़ेगा। वो ये है कि अगर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड आपको एमसीक्यूज में दी जाती, लेफ्ट हैंड साइड अगर आपको एमसीक्यूज में दी जाती तो आपने इसको इसी मेथड से सॉल्व करना था, आंसर आपके पास 1 + 1 2 आ जाता, जो भी ऑप्शन होता आप उस पर मार्क कर कर आ जाते। लेकिन सिचुएशन को चेंज करो, आप कंसिडर कर लो ये सवाल आपके पेपर में आ गया, 2 2.5 नंबर के अंदर आ गया, मतलब अगर 5 नंबर का सवाल है उसमें दो किस्म की ये चीजें दे दी हैं तो 2.5 नंबर का बनेगा, अगर दो और दिए हैं उसके अंदर तो दो पार्ट है उसमें से एक पार्ट 2.5 नंबर के। अब 2.5 नंबर के अंदर आप ये काम नहीं कर सकते कि लेफ्ट हैंड साइड में आपने डायरेक्ट इसको लिखा टेंजेंट अल्फा कैंसिल किया, 2 3 स्टेप के अंदर आंसर लिख दिया, नहीं। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे वो टेक्निक लगा देना जो मैं आप लोगों ने α+β α-β के फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे यहाँ पे आप लगाओगे कॉस α-β का फॉर्मूला, वो लगाना, उसके बाद दिखाना कि ये पूरी चीज साइन अल्फा के बराबर है, डायरेक्ट ना लिखना बेहतर यही चीज है, क्योंकि आपने इंटेंसिटी देखनी है ना, अगर 2 3 नंबर के अंदर सवाल आ रहा है तो आपने छोटा सा नहीं लिखना, कुछ आपने प्रॉपर बताना है उनको। इसी तरह इसको क्या करोगे, कॉट 90 क्या होता है? कॉट 90 को लिख देना कॉस अपॉन साइन, तो कॉस 90 माइनस अल्फा अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा, फॉर्मूले लगाना, सिंप्लीफाई करना, फिर आप ऑब्जर्व करोगे आंसर टेंजेंट अल्फा आ रहा है। तो आपने देखना है कि अगर आपका सवाल 3 4 नंबर के अंदर आ रहा है या सिचुएशन देखो ना 2.5 3 नंबर के अंदर आ रहा है तो आप कोशिश करना थोड़ा सोल्यूशन अपना बड़ा लिखना, क्योंकि आपको नहीं पता जो आप के पेपर चेक कर रहा है वो क्या डिमांड करना चाह रहा है। मैं अगर हूं मैं तो कहूँ आंसर आना चाहिए, तो ये वाला मेथड भी ठीक है, फॉर्मूले वाला मेथड भी ठीक है, तो मैं तो कहूंगा यार बच्चे के पूरे नंबर है, लेकिन आगे अगला बंदा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मुझे नहीं पता। तो मशवरा मेरा यही है कि सिचुएशन को देखना, अगर सिचुएशन आप लोगों को लगे यार 3 नंबर का सवाल है तो 3 नंबर के अंदर 3 स्टेप्स नहीं लिखने हैं आपने, 5 6 7 स्टेप में आपके आंसर आने चाहिए इसमें। कोई बोलता है स्टेप्स मैटर नहीं करता, लेकिन भाई कुछ टीचर्स के लिए मैटर करता है, अगर गलत कर दिया तो फिर क्या करोगे? तो इसलिए थोड़ी सिचुएशन थोड़ा स्मार्ट बन के आप लोगों ने देखना है कि किस सिचुएशन में सवाल आपका आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी है ना? हाँ क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों कंडीशन गिवन है कि इफ, या आपको कंडीशन गिवन है कि a+b+c=180 डिग्री है। मैं किसी ट्राइंगल की बात की जा रही है, ट्राइंगल के 3 एंगल है ये ए बी सी, नॉर्मली अल्फा बीटा गैमा कहते हो आप एंगल को, लेकिन खाली अगर आपके पास कैपिटल ए लिखा हुआ आ रहा है ना और इसको एंगल शुमार किया जा रहा है, इसका मतलब आपको बोलना चाह रहे हैं कि जो वर्टेक्स ए पे एंगल बन रहा है, जैसे ट्राइंगल है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो नॉर्मली तो हम ए पे जो एंगल बनता है उसको अल्फा हम बोलते हैं, लेकिन अगर कोई आपको ए कैपिटल दे रहा है और उसको एंगल ट्रीट कर रहा है, जैसे कंसिडर कर लो ये चीज आ जाए, अब वो ए को एंगल ट्रीट कर रहा है तो इसका मतलब समझ जाना, इसका मतलब क्या है, जो ए पे एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है, जिसको नॉर्मली आप अल्फा ले रहे होते हो, ठीक है? तो ये आपको बोल दिया कि 3 एंगल है उनका सम 180 डिग्री के बराबर, ये कंडीशन आपको दे दी गई है, और आपको बोला हुआ है कि प्रूफ करो, ये क्या बोला हुआ है प्रूफ करने को? आपको प्रूफ करना है टेंजेंट ए टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी ये बराबर होगा टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी। अच्छा वैसे ये जो है ना किसी भी ट्राइंगल के अंदर ये बात प्रूफ हो जाएगी, क्या मतलब
फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं 45 45 90 का नहीं कंसिडर कर सकते ना, एक ट्राइंगल 120 हम इस तरह कर लेते हैं 30 30 और 120, इनका सम अगर आप देखो 180 डिग्री के बराबर है, तो इसमें ये वाली कंडीशन प्रूव हो रही होगी। क्या मतलब, पहले वाले एंगल का टेंजेंट लो, टेंजेंट 30 जो है ये 1/√3 होता है, इसी तरह दूसरे एंगल का भी टेंजेंट लो ये 1/√3 होता है, और टेंजेंट 120 का आंसर क्या होगा? साइन √3/2 होगा ना, तो √3 होना चाहिए, नहीं -√3 होना चाहिए। किसी ने आंसर निकाला? तुम लोग बड़े सॉफ्ट स्लो है। -√3 सर। हाँ सही है, मतलब सही निकाला। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तीनों एंगल का टेंजेंट निकालो आपस में ऐड कर दो, और राइट हैंड साइड क्या है, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 1/√3 × -√3 − √3, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा इधर क्या होगा, ये 1/√3 + 1/√3, इसको आप इस तरह भी कह सकते हो 2/√3, मतलब 1/√3 + 1/√3, तो आप बोलोगे 2/√3, मतलब दो दफा एक चीज ऐड हो रही है तो 2 हो जाता है ना, और ये -√3 है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा सिंपल 3, तो 2 − 3/√3, और आंसर आ रहा है -1/√3। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो कंडीशन लिखी हुई ना, ये आप रेंडमली खुद लगा के भी प्रूव कर सकते हो, स्टेप्स तो उनको बता देंगे हम, लेकिन रेंडमली आप खुद भी प्रूव कर सकते हो इस बात को। तो आपने पहले तीनों एंगल का टेंजेंट निकाला, फिर उनको ऐड किया, देख लेना किस तरीके से ऐड किया है, एंड पे आंसर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे ये। अब जरा राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ये -√3 ऊपर है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और डिनोमिनेटर में √3 √3, ये किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है, और ये जो -√3/3 इसी के बराबर है, ये सेम ही वैल्यू है, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करो सेम ही है। जैसे अगर आप इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, √3 √3 3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 3√3 अपनी जगह पे, 3 से 3 कैंसिल, देखो वही -1/√3 आ रहा है। तो बताने का मकसद क्या है यहाँ पे, बताने का मकसद देखिए, ट्राइंगल अगर आपके पास है ना, उसके तीन एंगल होंगे, आप उन तीन एंगल के टेंजेंट लो और उनको आपस में ऐड करो, ये बराबर होगा उन तीनों एंगल के टेंजेंट को आपस में मल्टीप्लाई करो, ये कंडीशन बराबर होती है ट्राइंगल के अंदर, सही है। तो अब इस कंडीशन को आपने प्रूफ करना है, आपको एक एग्जाम्पल देके तो प्रूफ नहीं कर सकते ना, आपने जनरलाइज बात करनी है, क्योंकि जनरलाइज का मतलब होता है कि हर चीज पे सेटिस्फाई हो रहा है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं आप दे सकते, क्योंकि स्पेसिफिक एग्जाम्पल में शायद वो बात सेटिस्फाई हो रही हो, बाकी में ना हो रही हो, तो आपको जनरलाइज प्रूफ देना पड़ता है पूरा, जो हर एंगल पे सेटिस्फाई हो रहा होता है। अच्छा जी क्या करना है यहाँ पे, सॉल्यूशन पे आ जाओ, कंडीशन उन्होंने दी हुई है ना, इसको कंसीडर करो। कंडीशन क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप एक काम करो यहाँ पे ए प्लस बी को उधर रहने दो, सी को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री − सी। उसके बाद आप दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई कर दो, इस तरफ भी मैंने टेंजेंट ले लिया और इस तरफ भी टेंजेंट ले लिया, इक्वेशन के दोनों तरफ आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो आप। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का, फॉर्मूला क्या था, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा 1 − tan α tan β, ये फॉर्मूला था, और इस तरफ वही टेक्निक लगा दो जो अभी मैंने बताई थी। चाहो तो इस पे भी फॉर्मूला लगा सकते हो, जब दोनों तरफ लगा रहे हो तो लगा सकते हो इस पे भी, लेकिन डायरेक्ट टेक्निक लगा दो, कोई इशू नहीं है। 180 डिग्री पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। 180 − सी क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस आ गया। अच्छा जी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो तो ये चीज आ रही है, राइट हैंड साइड है ना, इसको मल्टीप्लाई करवा दो −tan c से जाके, तो −tan c जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरी चीज से, उधर लेके गया हूं ना, तो 1 − tan a tan b, इससे मल्टीप्लाई करवाना है आपने। पेपर में एड्रेस कॉपी करना, मैं इसी तरह लिख रहा हूँ इसको, पेपर में नहीं हरकत करना ये वाली, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा −tan c, −−, टेंजेंट सी को मल्टीप्लाई करो टेंजेंट ए और बी से, टेंजेंट सी साथ आ जाएगा, ठीक है। फिर आखिरी स्टेप है, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा टेंजेंट ए टेंजेंट बी, इधर आके चीज पॉजिटिव हो जाएगी टेंजेंट सी, और राइट हैंड साइड पे अगेन वही चीज लिखी हुई है, टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी। तो ये कंडीशन बच्चों आपकी प्रूव होगी।